प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में मैं यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों को दसवीं कक्षा के विज्ञान की वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो आपको बताइए कि हमारा 70 अंक का जो है क्वेश्चन पेपर होगा, जिसके तीन खंड होंगे। पहला जो खंड है खंड क, उसमें भौतिकी विज्ञान के चैप्टर 10, 11, 12 और 13 के क्वेश्चन होंगे। खंड ख जो है रसायन विज्ञान यानी 1 से लेकर के 5 तक चैप्टर उसमें आएंगे, जो कि 20 अंकों के होंगे। और खंड ग जो है क्वेश्चन पेपर का है, उसमें जीव विज्ञान के 6, 7, 8, 9 और 14, 15, 16 जो है ये चैप्टर होंगे। ये 4 चैप्टर 20 अंकों के होंगे और लास्ट वाले 3 चैप्टर जो है वो 5 अंकों के होंगे। अब सबसे पहले मैं अपने सभी विद्यार्थियों को एक मोस्ट इम्पोर्टेंट राय दे रहा हूँ कि यूपी बोर्ड ने जो है एक सैंपल पेपर जारी किया हुआ है, उस सैंपल पेपर को आपने हर हालत में करना परीक्षा में बैठने से पूर्व। और इस सैंपल पेपर का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो अब देखिए कि इस सैंपल पेपर में शुरू से लेकर आखिर तक एक बात कॉमन है कि इस 70 अंक के पेपर में से लगभग 65 से भी अधिक अंक का पेपर जो है वो एनसीईआरटी बुक में से सेट किया हुआ है। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, मैं एक बात सभी खंडों के लिए बता देता हूँ, जीव विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान के लिए, कि आपके एनसीईआरटी के जो अभ्यास के प्रश्न हैं और जो बीच में बुक के बीच में जो प्रश्न दे रखे हैं वो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन फिर भी जो उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले खंड क की बात करते हैं। खंड क में देखिए कि पहले प्रश्न के 4 भाग दे रखे हैं और 4 ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। आपको 4 आंसर दे रखे हैं, 4ों में से एक चूज आपने करना है। ये तो इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको वीडियो में दिखा दिया है। तो जो सॉल्यूशन या जो हल है उसके इस तरह से घेरा डाल रखा है हमने, तो ये आप देख लें। इसी तरह से घ पार्ट का भी हमने सॉल्व कर दिया है। अब देखिए, क्योंकि 4 अंक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और मैंने ये देखा कि सैंपल पेपर में 4ों क्वेश्चन एनसीईआरटी में से दिए हुए हैं, तो एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13 में से ये एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैंने इन 4ों चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं वो आपके सामने यहाँ पर रख दिए हैं। अब देखिए, आपको वीडियो पॉज करके इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये सारे सोल्ड क्वेश्चन हैं, आंसर इनके नीचे लिखे हुए हैं, आप इनको अच्छे से याद करके जाना है एग्जाम में बैठने से पहले। और जिनके नीचे नहीं लिखे हुए उनके इस तरह से मैंने निशान लगा दिए हैं, ठीक है। तो ये सारे एमसीक्यूज हैं और ये ज़्यादा नहीं है, ये वैसे एक पेज पे 3-4 आए हुए हैं, इसलिए आपको लगता होगा कि ज़्यादा हैं। तो ये अगर आप ये कर लेते हैं एमसीक्यूज, तो आपके 4 अंक जो है इनमें से आने की पूरी पूरी संभावना है। अब देखिए, प्रश्न नंबर 2 का कै भाग जो है ये दृष्टि दोष से संबंधित एक छोटा सा प्रश्न है, जिसके 2 लाइनों में आंसर है। इसके अलावा खै भाग, गै भाग ये संख्यात्मक प्रश्न है जिनको हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। तीसरे का कै भाग भी एक संख्यात्मक प्रश्न है, तो इसको भी हमने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। ये थोड़ा सा बड़े बड़े अक्षर लिखे हैं इसलिए लंबा क्वेश्चन लग रहा है, बाकी छोटा सा क्वेश्चन है ये, तो वैसे 4 अंक का है। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो 2, 2, 4, 4 और 4, 8 8 अंकों के संख्यात्मक प्रश्न सिर्फ लाइट में से उठा करके दे रखे हैं, प्रकाश वाले चैप्टर में से उठा करके दे रखे हैं। और यहाँ तीसरे का जो खै भाग है उसका आधा पार्ट भी न्यूमेरिकल है, चौथे का जो अथवा वाला पार्ट है वो भी एक न्यूमेरिकल्स है। तो अगर न्यूमेरिकल्स के इम्पोर्टेंट देखें तो न्यूमेरिकल्स में संख्यात्मक प्रश्न है ये ज़्यादा न्यूमेरिकल, तो चैप्टर नंबर 10 और 11 में ही है, 2-4 न्यूमेरिकल चैप्टर 12 में भी है, तो ये न्यूमेरिकल आप अच्छे से ज़रूर कर लें, ठीक। तो जिन बच्चों ने पहले कर रखे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, वो रिवाइज कर सकते हैं। बाकी
न्यूमेरिकल्स के अथवा में भी कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे इस न्यूमेरिकल के अथवा में ये क्वेश्चन है, तो जिन बच्चों ने नहीं कर रखा उनके लिए इस क्वेश्चन पेपर के आधार पे आ जाता थोड़ी राहत मिलेगी। अभी यहाँ एक खास बात और है कि चार चार अंकों के जो 2 प्रश्न हैं उनमें आपको च्वाइस मिल रही है कि 4 अंकों वाले, वैसे कुल मिला के 4 क्वेश्चन हैं, पहले 2 में से 1 करना है, आगे वाले 2 में से 1 करना है। इसी तरह से 7 अंक वाले क्वेश्चन में भी आपको च्वाइस मिल रही है। तो तीसरे क्वेश्चन के कई भाग का जो अथवा वाला क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखिए प्रकाश के विक्षेपण पर आधारित है। प्रकाश का विक्षेपण काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। इसके अलावा ये न्यूमेरिकल है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा चुंबकीय बल रेखाओं के जो गुण हैं वो आप लोगों ने करने हैं, इन गुणों के आधार पर भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब लास्ट में आता है 7 नंबर वाले क्वेश्चन के बारे में। 7 नंबर में जो है यहाँ पर विद्युत जनित्र के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपने बताना कि विद्युत जनित्र क्या होता है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उसका सिद्धांत बताना है, फिर उसकी संरचना में इसका चित्र बताना है, और इसके जो मेन मेन पॉइंट्स है चित्र के वो बताने भी, इसमें ये क्या क्या चीज है। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा, आपने थोड़ा सा पैराग्राफ बना करके इसको अच्छा सा लिखना है। फिर इसकी विद्युत जनित्र की जो कार्यविधि है वह किस ढंग से कार्य करता है वो आपने बताना है। अब आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पर है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। ये इतना इतना क्वेश्चन भी जब एग्जाम में आ सकता है। इस क्वेश्चन के साथ एक न्यूमेरिकल और जोड़ दिया है, तो ये दोनों मैंने आगे सॉल्व कर दिए हैं कि यहाँ पर जो पहला पार्ट है वो सॉल्व कर दिया है कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अब इसके साथ जो न्यूमेरिकल जुड़ा हुआ है उसका ये सॉल्यूशन है। तो देखिए अभी हम 7 अंकों वाले क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, ये अथवा में आ रहा है, तो ये दोनों क्वेश्चन हमने देखे। अब देखिए विद्युत जनित्र वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चांस है विद्युत जनित्र आने की, लेकिन अगर विद्युत जनित्र नहीं आया तो क्या आएगा, तो विद्युत मोटर आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो देखिए कि जो विद्युत मोटर है पहले उसका सिद्धांत लिखना है, विद्युत मोटर क्या होती है वो बताना है, फिर उसकी संरचना और उसका संरचना में जो है इसमें अलग अलग पार्ट के बारे में बताना कि कौन सा पार्ट क्या है और इसकी कार्यविधि क्या है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई छोटा मोटा पार्ट और पूछा जाए तो वो आप अपने विवेक के आधार पर बता सकते हैं। अब विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर के अलावा जो इम्पोर्टेंट बनता है, जो 7 अंकों में जो आ सकता है, देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण पूरा तो 7 अंकों में नहीं आएगा, लेकिन कई बार 7 अंक वाला क्वेश्चन तोड़ दिया जाता है, 4+3 उसका एक पार्ट के रूप में विद्युत चुंबकीय प्रेरण आ सकता है, ठीक। और देखिए पूरा विद्युत चुंबकीय प्रेरण ही है, ठीक। इसके अलावा इसके साथ आपका जुड़ सकता है कि 3 नियम हमारे पास, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम और फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम और तीसरा है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि तीनों नियमों में से एक नियम जो आपसे पूछ लिया जाए। अब देखिए कि वैसे तो मैंने काफी इंपॉर्टेंट बता दिए हैं पॉइंट्स आपको, लेकिन फिर भी जो कुछ बच गए हैं जो हमारे इधर सैंपल पेपर में नहीं आए, उनमें प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के नियम हैं, लेंस की समता है, और 11वें चैप्टर में जो टिंडल प्रभाव ये इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में दिया हुआ है, उससे थोड़ा सा पहले तारे क्यों टिमटिमाते हैं वो है। इसके अलावा 11वें चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मानव नेत्र है, मानव नेत्र इसके इसका चित्र बनावट और जो इसके बारे में पूरी डिटेल है, ये बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। और मानव नेत्र के अलावा जो दृष्टि दोष है कि दृष्टि दोष क्या है, क्यों होते हैं और इनको कैसे दूर कर सकते हैं, इस पर मेरे हिसाब से क्वेश्चन जो है आपको
पेपर में मिलना चाहिए। हालांकि सैंपल पेपर में जो है दृष्टि दोष पे थोड़ा सा पूछा गया है, लेकिन ये चीज कभी भी खाली नहीं जाती, इसलिए इनको ध्यान से जरूर देखना है। तो 11वें चैप्टर के दो दो चार टॉपिक और एक्स्ट्रा आप करेंगे। और 12वें चैप्टर की अगर हम बात करें तो ओम का नियम बहुत ही जनरल टॉपिक है। विद्युत प्रतिरोधकता इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, एक अंक में पूछा जा सकता है। 3.6 × 10 की पावर 6 जूल होते हैं। और 13वें चैप्टर में ये तीन नियम मैंने बताए दिए हैं, फ्लेमिंग वाम हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम और हस्त अंगुष्ठ दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी मैं आपको बता चुका हूँ, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण भी आपको बता चुका हूँ। तो ये टॉपिक भी आप अच्छे से कर लें। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो टॉपिक्स बताए हैं इनसे आपको एग्जाम में पूरी हेल्प मिलेगी। तो मैंने जो कुछ भी आपको बताया है वो मेरे बेस्ट नॉलेज और सैंपल पेपर पर आधारित हैं। तो जैसे मैंने पिछली बार भी यही आपको बताया था कि टीचर कोई भगवान नहीं होता, लेकिन अपना जो है बेस्ट नॉलेज के आधार पर ही वो अंदाजा लगा सकता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो यदि आपकी किस्मत अच्छी हुई तो इसमें से बहुत कुछ है आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो अगले वीडियो में मैं आपको रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। और इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको अगले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जस्ट इसके तुरंत बाद, जैसे आप ये पढ़ के पूरा करोगे उसके तुरंत बाद आप देखोगे वीडियो अपलोड हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।